विकास की बात आती है, किसी देश की प्रगति की बात आती है, तो काम करने की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों बेहद मायने रखते हैं। और यकीनन हमारा देश और हमारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इन सभी मानकों पर बेहद खरा उतर रहा है। आज हम श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में मौजूद यूनिवर्सिटी में 25वें ई गवर्नेंस सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। डिजिटल का आज जमाना है, ये जो आज की ई कॉन्फ्रेंस है ये डिजिटल से ही जुड़ी है। डिजिटल की आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी है, इन्हीं सब पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आपसे आज के इस कार्यक्रम के बारे में ही जानना चाहेंगे। नहीं, जैसे आपने स्वयं कहा कि ई गवर्नेंस को लेकर के यह आयोजन किया गया था, ये 25वीं राष्ट्रीय स्तर की उस तरह की जो वार्षिक कॉन्फ्रेंस की जाती है उनमें से थे। और जैसा हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 वर्षों में अनेकों प्रशासनिक सुधार लाए गए हैं, जिनका वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हुआ है। न केवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स है बल्कि सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हैं, जिसे ईज ऑफ गवर्नेंस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की भी संभावनाएं बनती हैं। और बहुत से ऐसे सुधार, बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स जो शायद जम्मू कश्मीर में पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ, वो 2019 के उपरांत जब नई संवैधानिक व्यवस्था यहाँ स्थापित हुई उसके बाद लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और उस दृष्टि से भी यहाँ के स्थान को केंद्र बना करके इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन करना अपने में महत्व रखता है, ताकि यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारियों को एक तरह का एक्सपोजर मिल सके। उदाहरण के तौर पर जो इंटरव्यू समाप्त करने की प्रथा थी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की थी 15 अगस्त 2015, और DOPT विभाग ने तीव्र गति की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए 1 जनवरी 2016 को देश भर में इंटरव्यू समाप्त कर दिए थे सरकारी पदों में नियुक्तियों में। लेकिन जम्मू कश्मीर में किसी कारणवश तब की सरकार इसको लागू नहीं कर पाई, वो भी पिछले 2-2.5 वर्षों में हो पाया है। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो देश भर में लागू है, जिसको 30 वर्ष के बाद मोदी जी के आदेश अनुसार संशोधित किया गया 2018 में, और रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया गया, वो भी यहाँ लागू नहीं था। सेल्फ एटेस्टेशन की अनुमति दे दी गई थी। तो बहुत से ऐसे प्रावधान जो मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में देश भर में लागू किए थे, जम्मू कश्मीर पहुंचने में विलंब हो रहा था, वो 2019 में के बाद यहाँ पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और मुझे खुशी है कि आज ये स्थिति है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स कायम करने वाला जम्मू कश्मीर पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है, और जो हमारा ग्रीवेंस के लिए एक CP ग्राम पोर्टल है उसके साथ जम्मू कश्मीर का ग्रीवेंस पोर्टल भी इंटेग्रेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। और इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक प्रणाली और प्रशासनिक शैली के दृष्टि से लगभग मुख्य धारा का हिस्सा बन गया है अब जम्मू कश्मीर। जी सर, अगर हम कंपैरिजन करें, एक दौर था जब ई गवर्नेंस नहीं था, केवल गवर्नेंस था, आज डिजिटल का युग है, ई गवर्नेंस का युग है। सर आप स्वयं भी इस ट्रांजिशनल फेज के साक्षी रहे हैं, आप सूत्रधार भी हैं सर इसके, तो आपने क्या देखा, आपने क्या महसूस किया सर? नहीं, निश्चित अब ऐसा युग है कि आपका सारा का सारा प्रशासन टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा, और इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है, आप इससे बचकर नहीं चल सकते। अगर आप बचकर चलेंगे तो आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और भारत जो अपने आप को एक भौगोलिक परिवार का हिस्सा मानता है, और हमारा ये मानना है कि अगले 25 वर्ष में अगली शिखर पटल पर जाकर के खड़ा होगा, तो वो तभी संभव है कि आप जो वैश्विक मापदंड है, जो यूनिवर्सल पैरामीटर्स हैं, उन पर पूरा उतरें। उसके लिए आपको ये टेक्नोलॉजी अपनाने अनिवार्य रहेगा। और जैसे ई गवर्नेंस केवल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तक सीमित नहीं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा इफेक्टिव गवर्नेंस भी उसके थ्रू, उसके माध्यम से संभव है। इजी गवर्नेंस भी है, इकोनॉमिकल गवर्नेंस भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस है। तो जितने भी पैरामीटर्स मापदंड हैं उनकी दृष्टि से यदि आपने पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप टेक्नोलॉजी को अपनाएं। और अब तो बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला रहने वाला है। जैसे अमृतकाल को लेकर के मोदी जी सदा अगले 25 वर्ष की बात करते हैं, तो अगले 25 वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित रहेंगे, और उसको किस प्रकार से आप अपनी कार्य प्रणाली का हिस्सा बनाएं और उसका एक ऑप्टिमम सिनर्जी हो,
ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि आपकी प्रक्रियाओं को उससे लाभ भी पहुंचे और साथ ही वो हावी भी ना हो। तो इस सब को लेकर के इन गोष्ठियों का महत्व बनता है, जो विचार विमर्श होता है उसका महत्व बनता है। सर, व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, सर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डेटा इज ए मैटर ऑफ प्राइम कंसर्न, सर व्हाट वुड यू से? निश्चित, वो तो साथ साथ चलता ही है। वो तो देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी केवल सुशासन के लिए नहीं है, कुशासन के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। टेक्नोलॉजी केवल पुण्य करने के लिए नहीं, पाप करने वाले भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे भारत सरकार में सबसे पहले फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने किया, जो पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्ग हैं उनके लिए पहचान पत्र, जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करने को, लेकिन क्राइम की दुनिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो निश्चय ही टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए साथ साथ चेक्स बैलेंसेस को भी निर्माणित करना पड़ेगा, उनकी भी खोज करनी पड़ेगी, और सरकार उसको लेकर के अवगत है। गृह मंत्रालय पूरा तरह से सक्रिय रहता है कि किस प्रकार से डेटा सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी को लेकर के सिक्योरिटी के जितने कंसर्न्स हैं उनको किस प्रकार एड्रेस किया जा सके। जी सर, आज का दिन अगर कहें जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है तो कोई गलत बात नहीं होगी। सर, आज पहली बार और आप ही के जत्नों की बदौलत आज जम्मू कश्मीर में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सर, जम्मू कश्मीर की ही बात करें, ई गवर्नेंस में जम्मू कश्मीर कहाँ खड़ा है? सर, मैं तो यही कहूँगा कि पिछले 3 वर्षों में बड़ी तीव्र गति से यहाँ पर प्रगति हुई है, और जो देख करके कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज से 3 वर्ष पहले तक बहुत कम था। लेकिन उसके लिए मैं श्रेय दूंगा केंद्र सरकार को, मोदी जी के नेतृत्व को, और हमारा जो विभाग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, श्रीनिवास जी और उनकी टोली। उदाहरण के तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश गठित हुआ था, यूनियन टेरिटरी, और 15 दिन के भीतर हमारी टोली यहाँ पर मौजूद थी। जम्मू में कन्वेंशन हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, दो दिवसीय, और उसके अगले महीने में दिसंबर एक और कार्यशाला गुड प्रैक्टिसेस को लेकर के, जिससे छूट गया था कहीं ना कहीं। और मोदी जी का हमेशा ये कहना रहा है कि उनकी सरकार की ये प्राथमिकता के देश के वो हिस्से, वो जो क्षेत्र जो विकसित राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं पिछड़ गए, उनको उसी स्तर पर लाना, मुझे लगता है ये उस संकल्प का भी एक हिस्सा है। उसके उपरांत इसी प्रकार की 2 गोष्ठियां श्रीनगर में की गई और 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ के अधिकारियों के लिए इस विभाग ने किए हैं इन सारे 2-3 वर्षों के भीतर। तो मुझे लगता है कि जो पहले का जो विलंब था, ये पहले की देरी थी, उसकी भरपाई भी बड़ी काबिलियत के साथ करने का प्रयास किया गया है। सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र दिया है सबका साथ सबका विकास। सर, सभी लोग जो हैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने में सक्षम नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मतलब सुविधा नहीं मानते, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं है, एक्वेंटेड नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ। सर, ऐसे लोगों को किस प्रकार से साथ लेके चलेंगे? आपने ठीक है, जो सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास की जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो वही है नागरिक भागीदारी, सिटीजन सेंट्रिसिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो कि गुड गवर्नेंस का एक असेंशियल अंग है जी। तो उसमें वही मंत्र उसमें भी अमल में आता है। अब जहाँ तक ये कहना है कि बहुत से लोग इससे परिचित नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज़ बदल रही है, सबके लिए कुछ ना कुछ नवीनतम उसमें आ रहा है, और सबको अपने आप को उससे परिचित करना, और ये भी कहना शायद न्याय नहीं होगा कि हमारे बहुत से पिछड़े वर्गों के लोग टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं या वाकिफ नहीं, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल नॉलेज का कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहता आपकी फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से। आप देश के दूर दराज गाँव में चले जाइए, वहाँ भी आप देखेंगे, आपने अगर कोई फ़ोटो खींचना है आपको समझ नहीं आएगा मैं फ़ोटो कैसे व्हाट्सएप करके भेजें, आप दूर देहात में बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात करें, कोई खेत में काम कर रहा है, एक पेड़ के नीचे बैठा है, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की होगी, लेकिन वो आपका फ़ोटो व्हाट्सएप करके आपके परिवार तक पहुँचा देगा। तो डिजिटल लर्निंग का स्तर भारत में सदा रहा है, क्योंकि एक साइंटिफिक टेम्पर भारतवासियों में सदा से था, और प्रतिभा बहुत अधिक है। प्रतिभा का तो ये आलम है कि जब कुछ नहीं थे साधन, तब भी हमारे वैज्ञानिक देश ही नहीं विदेश में भी नाम बना रहे थे, और अब मोदी जी ने उसको फैसिलिटेट किया है, साधन उनको उपलब्ध करवा करके, सुविधा उनको दे करके, वैज्ञानिकों को सम्मानजनक स्थान दे करके। जो आप देख रहे हैं अंतरिक्ष में जो कुछ हो रहा है, पहले तो अंतरिक्ष की कभी चर्चा ही नहीं होती थी, अब आज भी अंतरिक्ष में 2 प्राइवेट सैटेलाइट गए, अभी सप्ताह पहले एक प्राइवेट रॉकेट गया, वो इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी ने उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। और वो भी बात, इस बात से ये भी बात जुड़ती है कि आने वाले समय में ये जो बीच में मिसिंग लिंक्स रह जाएंगे, जैसे आप कहते हैं कि अगर किसी को
या किसी क्षेत्र में या किसी समुदाय को पूरी तरह जानकारी नहीं है तो किस प्रकार से उनको जानकारी उपलब्ध करवाई है, उसके लिए सिनर्जिस्टिक अप्रोच की जरूरत रहेगी। पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री एकेडमी या रिसर्च एक साथ जब चलेंगे तो जहाँ जहाँ सरकार की पहुँच नहीं है वहाँ आपका दूसरा पार्टनर पहुँचेगा। तो मुझे लगता है आने वाला युग वैसे ही रहेगा, इंटेग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच। जी सर, आज का जो ये कार्यक्रम है इसका थीम है लोगों को, इंडस्ट्रीज को और सरकार को एक दूसरे के पास लाना। तो सर किस तरह से हो पाएगा ये, क्या रोड मैप है आपका? मैं जैसे कह रहा था कि आने वाले समय में और कोई विकल्प ही नहीं है और ये कोई चॉइस नहीं है, ये हमारे लिए मजबूरी होगा, इनको इकट्ठा लाने ही लाना है। अगर देश ने उस प्रकार की प्रगति करनी है जैसे हमने कल्पना की है, अगर भौगोलिक मापदंडों पर हमें पूरा उतरना है, अगर हमें जाकर के उस शिखर पटल पर खड़े होना है जिसकी हम अभी तसव्वुर कर रहे हैं 2047 में, तो ये अनिवार्य है कि हम इस सब को इंटेग्रेट करें। जितना जल्दी होगा उसमें लाभ है, वो किस प्रकार पर्याप्त ढंग से हो, परस्पर हो, उसके ऊपर विचार करना ये आज का एक विषय होना चाहिए। जी सर, आप कहेंगी ई गवर्नेंस पूरी तरीके से लागू होने के बाद कर्मचारियों से भी और उद्योगों से भी? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा इसका ये लाभ रहेगा जो अक्सर चर्चा में नहीं आता, ना मीडिया में ना सार्वजनिक तौर पर, कि जम्मू कश्मीर की धरती पर बैठे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर को अपने ही सरमाए का अंदाजा नहीं है। जम्मू कश्मीर वो प्रदेश है जिसका सारा का सारा रिसोर्स अनयूटिलाइज रहा है पिछले 70 वर्ष में। भारत की अर्थव्यवस्था में जितनी भी योगदान रहा है वो पश्चिम और दक्षिण के राज्यों का रहा, लेकिन आपके पास हिमालय की इतनी बड़ी संपत्ति बैठी है, ये लेवेंडर आपके पास है, ये लेमन ग्रास आपके पास है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का सारा का सारा रिसोर्स है, लेकिन उस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि उस तरफ हमारी मानसिकता नहीं चली। एक तो सरकारी नौकरी का एक तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रथा रही, दूसरा शायद हमें उस तरह का मौका नहीं दिया गया केंद्र की सरकारों ने जो भी रही। तो मोदी जी ने जो पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गई थे विषय, छूट गए थे क्षेत्र, उनको भी प्राथमिकता में लाया है और आने वाले 25 वर्षों में देख सकता हूँ जम्मू कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्य, हिमालयन राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और साथ में जो समुद्री तट पर बसे राज्य हैं क्योंकि समुद्र में अपार संपत्ति, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है भारत की प्रगति में और भारत की अर्थव्यवस्था में। सर, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस यू आर कन्फ्रंटिंग फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस? आई थिंक इन अ सिंगल सेंटेंस द बिगेस्ट चैलेंज इज चेंज ऑफ माइंडसेट। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टेक्नोलॉजी नई नई भी आ रही है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमारी अभी मानसिकता तैयार नहीं हो पा रही पूरी तरह से, जो हो जाएगी क्योंकि उसके बगैर ऐसे मैंने कहा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं। जी सर, हमने व्यवस्थाओं की बात की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो सर किस प्रकार से ई गवर्नेंस जो है वो लाभदायक सिद्ध हो? ये सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा है, ई गवर्नेंस फॉर ईज ऑफ लिविंग, और ईज ऑफ लिविंग के लिए स्टार्टअप। कोई भी सरकार विश्व की कहीं भी कोई भी देश क्यों ना हो हर व्यक्ति को तनख्वाह याफ्ता वेतन याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ मोदी जी की सरकार ने स्टार्टअप्स के माध्यम से ऐसे आयाम पैदा किए हैं, अवसर पैदा किए हैं, हर व्यक्ति अपनी रोजगार स्वयं कमा सके। आप ये अनुमान लगाइए कि 2014 से पहले स्टार्टअप्स की संख्या इस देश में 350 के लगभग थी, 80,000 से पार कर गई जी। और हमारी बायो इकोनॉमी मात्र कोई 10 लाख बिलियन थी, अब 80 लाख बिलियन तक पहुँच गई। तो धीरे धीरे उस दिशा में प्रगति हो रही है और बड़ी तेज गति से हो रही है। सर, दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों को आपने समय दिया, बेहद बेशकीमती विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मगर इन महिलाओं को रिवायती